पहले मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, जो ओमिक कंडक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, जो ओम्स के लॉ को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ओम्स के लॉ को फॉलो करते हैं और उनके बीच में जो वीआई ग्राफ खींचते हैं तो हमेशा क्या आता है, एक स्ट्रेट लाइन आता है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको पता है टेंथ में, ठीक है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं नॉन ओमिक कंडक्टर्स की, यानी जो ऐसे कंडक्टर्स जो ओम के लॉ को फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। और ऐसे कौन सी सिचुएशन है, ठीक है, यहाँ पर ऐसी कौन सी सिचुएशन है जिसमें कोई भी कंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। तो हमारे पास सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है, देखो क्या होगी, क्या हो सकता है कि जब पोटेंशियल क्या हो, ओरिजिन से पास ना हो, वो क्या हो, कहीं आधे से पास हो, ठीक है। मतलब यहाँ अगर ये ओम्स लॉ को फॉलो करता तो इसमें पोटेंशियल क्या होना चाहिए था, सेंटर से यानी ओरिजिन से पास होना चाहिए था। तो लेकिन ऐसी भी कंडीशन होती है हमारे पास जब पोटेंशियल क्या होता है, ओरिजिन से स्टार्ट ना हो के क्या होता है कि कहीं बीच में से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। यानी जो ये बीच में से जो स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर हम इस टाइप के हमारे पास मटेरियल होते हैं वाटर वोल्टामीटर, ठीक है। वाटर वोल्टामीटर होता है, उसका जो पोटेंशियल होता है वो पोटेंशियल क्या होता है, इनिशियली वो जीरो से ना स्टार्ट होके वो अप्लाइड वोल्टेज जब हम अप्लाइज वोल्टेज करते हैं तो ये इसका जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, धीरे 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 बहुत पहले तो इसके साथ ही साथ रहता है और फिर बाद में कुछ टाइम बाद वो अप्लाइड वोल्टेज के इक्वल होने के बाद ही वो बढ़ता है धीरे धीरे, ठीक है। और उस केस में होगा करंट भी उसके साथ बढ़ेगी। तो इस टाइप की जो सिचुएशन है वो नॉन ओमिक कंडक्टर के बिहेवियर को शो कर रहा है, ठीक है। तो अगला क्या हो सकता है कि ऐसा भी हो सकता है कि हमारा ग्राफ क्या ओरिजिन से निकले, ओरिजिन से जाए, वी और आई के बीच में जो ग्राफ है वो क्या होगा, करंट के उस ओरिजिन से निकले और कुछ टाइम बाद क्या होगा कि करंट क्या होगा ऐसे करके ऊपर को बढ़ जाए, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, नॉन ओमिक सिचुएशन को शो करेगा, ठीक है। तो बेसिकली होता है क्या स्टूडेंट, जब हम किसी कंडक्टर में वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो करंट फ्लो करती है और करंट फ्लो करने के बाद करंट क्या करते हैं, उस कंडक्टर को गर्म कर देते हैं, ठीक है। जो करंट होती है वो करंट क्या करेगी, अगर करंट इसमें आई फ्लो कर रहा है तो ये करंट क्या करेगा, इस कंडक्टर को गर्म कर देगा। जिससे आपको पता है ना, जो करंट होता है टेम्परेचर पर डिपेंड, जो आर होता है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो उस केस में क्या होगा, रेजिस्टेंस वेरी कर जाएगा, ठीक है। यानी रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा, यानी अब करंट नहीं बढ़ेगी, लेकिन क्या होगा, अब यहाँ से क्या होगा, करंट फिक्स हो जाएगी, ठीक है। करंट में कोई चेंज नहीं आएगा, ऐसे करके बढ़ता जाएगा, ठीक है। मतलब करंट जहाँ पर थी वहीं पर रुक जाएगी। क्यों रुकेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और रेजिस्टेंस बढ़ेगा क्यों, वो कंडक्टर जो करंट है, करंट उसको हीट अप कर देगा, ठीक है स्टूडेंट्स। थोड़ा मैं बता देता हूँ कि अगर इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं ना, ऑब्वियसली क्या होगा, मूव करेंगे और टेम्परेचर आप बढ़ाओगे, मूव करेंगे तो इसके बीच में भी क्या होता है, कुछ ना कुछ हीट क्या होता है, लगातार प्रोड्यूस करते रहता है इलेक्ट्रॉन भी, ठीक है। उसकी वजह से भी उसका टेम्परेचर, वायर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। आई बात समझ में? तो ऐसा जब ग्राफ आएगा तो वो क्या होगा, वो भी क्या होगा नॉन ओमिक ग्राफ होगा। दिस वी आई इज नॉन लीनियर, ठीक है, इसमें लीनियर नहीं है बोल रहा है, तो इसलिए क्या होगा, इसको नॉन ओमिक ग्राफ बोलेंगे। और नॉन ओमिक कब हो सकता है, दूसरा है मेरे पास सिचुएशन है आपके पास ये वाला, ठीक है। यानी वी आई जो करेक्टरिस्टिक है वो पहले तो क्या हो कि वोल्टेज बहुत कम बढ़े, उसके बाद एक फिक्स पॉइंट पर अचानक से क्या होगा, वोल्टेज बढ़ जाए, ठीक है। और करंट भी बहुत कम तरीके से बढ़े और एक फिक्स पॉइंट पर अचानक से क्या होगा, करंट मैक्सिमम हो जाए, ठीक है। यानी ये आपका एक इसका केस होता है, पीएन जंक्शन का केस होता है, पीएन जंक्शन डायोड होता है, जो उसमें क्या होता है कि आप वोल्टेज बढ़ाते रहोगे तो एक फिक्स पॉइंट, यानी इसको नी वोल्टेज बोलते हैं, नी वोल्टेज जाने के बाद क्या होता है, करंट कांस्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, नॉन ओमिक बिहेवियर को शो करता है, ठीक। अगली कंडीशन क्या हो सकती है कि जो वी आई रिलेशनशिप है नॉट यूनिक, ठीक है। यानी जो पोटेंशियल और करंट के बीच में जो रिलेशन है वो यूनिक ना हो, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिए, इस टाइप का ग्राफ, अगर इस टाइप का ग्राफ है तो ये भी ग्राफ क्या आपका नॉन ओमिक ग्राफ है। तो इसमें यहाँ पर देख रहे होंगे ना स्टूडेंट्स आप लोग, यहाँ पर देखो करंट, ये करंट की पोजीशन है और यहाँ पर भी करंट की पोजीशन, ठीक है। यानी अगर करंट की पोजीशन मतलब सेम वोल्टेज पर दो करंट को शो कर रहा है, इस ग्राफ से मेरे को क्या पता चल रहा है, इस ग्राफ से मेरे को ये पता चल रहा है कि सेम वोल्टेज पर मतलब एक फिक्स वोल्टेज पर दो दो करंट की वैल्यूज है, ठीक है। तो ऑब्वियसली क्या होगा, ये नॉन ओमिक ग्राफ है, ठीक है ना। और नॉन ओमिक का एक और ग्राफ इस टाइप का भी हो सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये देखो वी और आई के बीच में जो ग्राफ खींच रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि पोटेंशियल बढ़ने के साथ साथ करंट बढ़ रही है और एक फिक्स मैक्सिमम पॉइंट के बाद पोटेंशियल तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन ये क्या हो रहा है, ये करंट घट रही है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे तुम्हारे पास, पॉजिटिव रेजिस्टेंस रीजन, और उसको बोलते हैं नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन, ठीक है।
ये बेसिकली कहता है गैलियम आर्सेनाइट का एक डायग्राम आता है गैलियम आर्सेनाइट का, तो वहाँ पर हमको देखने को ये मिलता है कि जब हम पोटेंशियल पोटेंशियल बढ़ाते हैं तो पहले तो क्या करता है ये धीरे धीरे करंट भी बढ़ता है, ठीक है। तो इस रीजन को यानी ये पूरा का पूरा रीजन क्या होता है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव रजिस्टेंस रीजन। और उसके बाद एक मैक्सिमम पॉइंट के बाद आप पोटेंशियल बढ़ाओगे भी ना तो उस टाइम क्या होता है करंट धीरे धीरे घट रही है, तो इसको बोलते हैं नेगेटिव रजिस्टेंस रीजन, ठीक है। तो ये इस टाइप का ग्राफ आता है, ये ग्राफ जो शो करता है ये क्या करता है, ये बताता है कि ये नॉन ओमिक बिहेवियर को शो कर रहा है, ठीक है, कंडक्टर के नॉन ओमिक बिहेवियर को शो कर रहा है ये ग्राफ। आई बात समझ में? तो चेंज इन रेजिस्टेंस क्या था, चेंज इन अगर हम निकालना चाहें किसी दो पॉइंट के बीच में चेंज इन रेजिस्टेंस निकालना चाहें दो पॉइंट के बीच में, तो कैसे निकालेंगे, अगर यहाँ पर वी वन था वी टू था, ठीक है, वोल्टेज धीरे धीरे बढ़ रहे हैं तो डेल्टा वी अपॉन आई होगा, ठीक है। तो इन दो पॉइंट पर हमने करंट निकालना है ये, ठीक है, यहाँ पर वी वन बोल दो, यहाँ वी टू बोल दो, चेंज इन वोल्टेज वी नॉट अपॉन चेंज इन करंट, ये दोनों वन टू लिख दो, ठीक है, आई टू माइनस आई वन, तो इसको डेल्टा आई लिख दिया। चेंज इन रेजिस्टेंस कितना होगा, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई, ठीक है। तो चेंज इन रेजिस्टेंस पता चल गया हमको, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरह से यहाँ से भी निकाल सकते हो, यहाँ पर क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा नेगेटिव वाला होगा, ठीक है। चेंज इन यहाँ पर लिखा है नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन, तो यहाँ पर जो चेंज आएगा रेजिस्टेंस में नेगेटिव तरीके से आएगा, ठीक है। माइनस डेल्टा वी नॉट अपॉन आई, चेंज करंट क्या होगा, घटेगी। ओके स्टूडेंट्स, तो इस टाइप के जितने भी ग्राफ है हमारे पास ये नॉन ओमिक बिहेवियर को शो करते हैं, ये कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है, एग्जाम में। ये वाला ये जो ग्राफ है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्राफ है, इसके आप थोड़ा स्टडी और कर लेना इसको डीप, ये वाला और ये दोनों ग्राफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बाकी ये तो सिंपल ग्राफ है, ठीक। तो इसको थोड़ा और देख लेना अच्छी तरह से इसको, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू।